हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक जो अपना डिस्कस कर रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया तो सुबह के वीडियो में मैंने आपको सारी डेफिनेशंस वगैरह क्लियर कर दी थी और ऑक्सीकरण अंक अवधारणा के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया भी समझा दी थी। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया अगर हमारे को कोई रिएक्शन दे दी जाती है उसमें अपने को ऑक्सीकरण अपचयन पहचानना होता है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। जनरली क्वेश्चन आता है ये हमारे पास, तो उसे कैसे पहचानेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ZN प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। इसमें मेरे को पहचानना है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। ऐसे ही और एग्जांपल लिख लूं, SnCl2 प्लस 2FeCl3 इक्वल टू SnCl4 प्लस 2FeCl2। ऐसे ही अगला एग्जांपल, HgCl2 प्लस Cu2Cl2 इक्वल टू Hg2Cl2 प्लस 2CuCl2। तो ये कुछ एक एग्जांपल मैंने लिख लिए हैं। अब इसमें मेरे को बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, और बहुत ही इजी तरीके से आपको क्लियर करूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैं किसी भी डेफिनेशंस को यहाँ फॉलो नहीं कर रहा हूँ। जैसे सुबह मैंने कहा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जनरली हमारी बुक्स में यूं ही बताया होता है कि ये ऋण विद्युती तत्व जुड़ गया है, या ये ऑक्सीजन जुड़ गया है, या ये हाइड्रोजन निकल गया है। तो वो उस डेफिनेशन के बेस पे मैं यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं करूँगा। एक सिंपल सा मेथड आपको दूंगा मैं यहाँ, इसमें ध्यान रखें। अगर आगे कुछ जुड़े, तो वो होता है अपचयन। अभी क्या हिसाब है ये वो भी बता दूंगा। आगे कुछ जुड़े तो अपचयन, और पीछे कुछ जुड़े तो होता है ऑक्सीकरण। आगे कुछ जुड़े तो अपचयन, पीछे कुछ जुड़ जाए तो होता है ऑक्सीकरण। अब आगे पीछे वाला हिसाब क्या है देखें। जैसे मान लो ए बी है, ए बी कोई यौगिक है मेरे पास ए बी, तो जो पहले लिखा है वो आगे वाला तत्व है और जो बाद में लिखा है वो पीछे वाला। तो ए आगे लिखा है और बी पीछे लिखा है। क्लियर, ए आगे लिखा है और बी पीछे लिखा है। अब जैसे मैंने यहां कर दिया ए टू बी, ए बी से बढ़ गया क्या ए टू बी। जस्ट एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर ऊपर वाला एग्जांपल क्लियर करूंगा, फिर आप लोग जितने मर्जी एग्जांपल फॉलो करके देख लेना, 100% ये मेथड फॉलो होगा सब पे। तो ए बी से बन गया ए टू बी। तो अब देखें अपने ए कितने थे पहले, एक, अब कितने हो गए, दो। पहले ए एक था, ए दो हो गए, यानी ए जुड़ गया। बी पहले एक था, अब भी एक है, तो जुड़ा क्या इसमें ए। अब अपने को ये देखना है कि ए जो है वो आगे वाली साइड जुड़ा है या पीछे वाली साइड जुड़ा है। तो ए आगे वाला तत्व है, बी पीछे वाला तत्व है। अब ए किधर जुड़ा है, आगे वाली साइड जुड़ा है, आगे वाली साइड जुड़ा है ए, इसलिए आगे जुड़ा है तो ये अपचयन है। तो ये जनरल सी बात करें अपने तो ये अपचयन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही ए बी, ए बी, ए बी, ए बी से बन गया ए बी टू, ए बी से बन गया ए बी टू। अब देखिए क्या जुड़ा इसमें, बी, ए एक था, ए एक है, बी एक था, बी दो हो गए, यानी बी जुड़ा। अब बी किधर जुड़ा वो इसको देखें, ए आगे बी पीछे, ए आगे बी पीछे, तो बी पीछे जुड़ा है और पीछे जुड़ा है तो ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण। तो ये अपचयन है, ये ऑक्सीकरण है। अब इन पे इसको फॉलो करूंगा मैं धन विद्युती या ऋण विद्युती के आधार पर यहाँ कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, मैं इसी मेथड को फॉलो करूंगा।
इतनी बात ध्यान रखें कि आगे कुछ जुड़े तो अपचयन, पीछे कुछ जुड़े तो ऑक्सीकरण। जो आप पहले बोल रहे हैं वो आगे वाला तत्व है, जो बाद में बोल रहे हैं वो पीछे वाला तत्व है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपने, पहले वाला, पहले जो बोला वो आगे, बाद में जो बोला पीछे। अब यहां देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। जेडन से जेडन पे एरो लगा ले, पहले समीकरण पढ़ लें। जेडन प्लस सी यू एसओ फोर इक्वल टू जेडन एसओ फोर प्लस सी यू। तो जेडन से जेडन पर एरो लगा ले और सी यू से सी यू पर एरो लगा ले। तो इसमें दो अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो जेडन से बन रहा है जेडन एसओ फोर, जेडन से बन रहा है जेडन एसओ फोर, और एक सी यू एसओ फोर से बन रहा है सी यू, सी यू एसओ फोर से बना है सी यू। अब दो रिएक्शन इसमें हुई है, इसमें से एक ऑक्सीकरण है एक अपचयन है। अपने को यही आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीकरण कौन सा है और अपचयन कौन सा है, और उसी मेथड से मैं फॉलो करूंगा। देखो जेडन था, क्या बन गया जेड एन एस ओ फोर, जेडन था क्या बन गया जेड एन एस ओ फोर। अब देखें जेडन से जेडन एस ओ फोर बना, तो क्या जुड़ा उसमें, पहले सिर्फ जेडन था अब बन गया जेडन एसओ फोर, तो इसका मतलब इसमें एसओ फोर जुड़ गया, एसओ फोर जुड़ गया। अब आपने यही देखना है कि जो जुड़ा है वो आगे जुड़ा है या पीछे जुड़ा है, बस इतनी बात क्लियर करनी है। जेडन से बना जेडन एसओ फोर, तो इसमें एसओ फोर जुड़ा। अब जेडन आगे वाला तत्व है और एसओ फोर पीछे वाला, जेडन एसओ फोर, तो जेडन आगे है एसओ फोर पीछे है, तो जुड़ा क्या है एसओ फोर, और एसओ फोर किधर जुड़ा है पीछे जुड़ा है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण है। 100% सही होगा ये मेथड जो मैं आपको दे रहा हूं, कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, कहीं ये नहीं आएगा कि ये अपवाद हो गया। तो 10th लेवल तक का कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा, आपके जट के पेपर में जो एग्जाम्पल आते हैं उनमें भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, रीट के एग्जाम में जो अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। बहुत ही आराम से जडन, आराम से देखें आप लोग, जडन से जडन एसओ फोर बना, तो इसमें एसओ फोर जुड़ा, किधर जुड़ा पीछे, पीछे जुड़ा तो ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। बस सीधा मेथड ध्यान रखना है, पीछे कुछ जुड़े तो ऑक्सीकरण है। अब दूसरा भी पढ़ के देखें इसको, सी यू एसओ फोर से बना सी यू, हालांकि अंडरस्टूड है कि जब ये ऑक्सीकरण है तो ये अपचयन ही होगा, क्योंकि ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है जिसमें एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन ही होता है। तो दूसरा एक पता लगते ही दूसरा अंडरस्टूड है कि दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट होगा, तो जब एक हमारे को पता लग गया कि ऑक्सीकरण है तो दूसरा अपचयन ही होना है। लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं अपने, सी यू एसओ फोर से क्या बना सी यू, सी यू एसओ फोर से क्या बना सी यू। तो पहले तो ये देखना है कुछ जुड़ा क्या, सी यू एसओ फोर से सी यू बना तो कुछ नहीं जुड़ा, इसमें से निकला है एसओ फोर निकला है, और निकलने वाला हिसाब हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ जुड़ने वाला हिसाब देखा है। क्लियर, तो ये अपने को पता लग गया कि ऑक्सीकरण है तो दूसरा अंडरस्टूड अपचयन है, निकलने वाला हिसाब हमने नहीं लगाया, हमने सिर्फ जुड़ने वाला हिसाब लगाया। आगे कुछ जुड़े तो अपचयन है, पीछे कुछ जुड़े तो ऑक्सीकरण है, और कॉमन सी बात है एक में जुड़ रहा है तो दूसरे से निकल के ही आया होगा, तो एक पता लग गया तो दूसरा साथ में पता लग जाएगा। आगे और चलते हैं, दो एग्जाम्पल मैंने और लिखे हुए हैं वो क्लियर करते हैं, फिर 5-7 एग्जाम्पल मैं लिखूंगा वो आप लोग करके देख लेना, 100% आपका सही होगा। अब SnCl2, पहले तो समीकरण पढ़ लें, SnCl2 प्लस FeCl3, ये जो पहले दो या तीन लिखा होता है ये संतुलित करने के लिए लिखा होता है, तो इसको रीड नहीं करना है अपने को, ये बैलेंस करने के लिए, इसको कंसीडर नहीं करना, अपने यौगिक बोलना है सिर्फ SnCl2 FeCl3, यौगिक बोलना है सिर्फ SnCl2 FeCl3 SnCl4 FeCl2। अब Sn से Sn पे एरो लगा लेंगे और Fe से Fe पे एरो लगा लेंगे, तो दो अभिक्रियाएं हुई हैं यहां, एक तो SnCl2 से SnCl4 बना है और FeCl3 से FeCl2 बना है। अब एक ऑक्सीकरण है एक अपचयन है, अब अपने को यही आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीकरण कौन सा है और अपचयन कौन सा है। अब वापस पढ़ें इसको, SnCl2, तो Sn आगे वाला तत्व है और Cl पीछे वाला तत्व है, Sn आगे वाला तत्व है Cl पीछे वाला तत्व है, SnCl2, तो SnCl2 से क्या बना SnCl4, तो Sn एक था Sn एक ही है, Cl दो थे, K
कितने हो गए चार। तो कॉमन सी बात है कि इसमें सीएल जुड़ गया। वापिस देख लें, एसएन एक था, एसएन एक ही है, सीएल दो थे, अब कितने हो गए चार हो गए। तो इसका मतलब इसमें सीएल जुड़ गया। अब सीएल किस साइड लिखा है, आगे या पीछे? सीएल लिखा है पीछे वाली साइड, इसका मतलब पीछे जुड़ा है। पीछे जुड़ा है तो ऑक्सीकरण है। तो दूसरा अंडरस्टूड है कि अपचयन है। तो बहुत ही आराम से हम ऑक्सीकरण और अपचयन पहचान सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। बता दूंगा मैं आपको कि मैंने ये कहां से लिया है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, कहीं से भी मैंने क्रमिंग नहीं किया है, मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है जो मैं आपको दे रहा हूं, और बहुत ही इजी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है सामने। तो ये ऑक्सीकरण हो गया और ये अपचयन हो गया। अब अगला एग्जांपल और कंसीडर कर लें, फिर मैं बता दूंगा कि मैंने क्यों लिखा, ये कैसे लिखा, वो भी क्लियर कर दूंगा आपको। तो एच जी सी एल टू प्लस सी यू टू सी एल टू इक्वल टू एच जी टू सी एल टू प्लस सी यू सी एल टू। तो एच जी से मैं एच जी पे निशान लगा लूंगा और सी यू से मैं सी यू पे निशान लगा लूंगा। तो ये दो अभिक्रियाएं यहां भी हुई हैं, एक तो एच जी सी एल टू से बना है एच जी टू सी एल टू और सी यू टू सी एल टू से बना है सी यू सी एल टू। अब इसको देखें, फिर बता दूं यौगिक ही बोलना है, ये दो नहीं बोलेंगे हम लोग, यौगिक ही बोलेंगे, सिर्फ यौगिक ही बोलना है, ये नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो अब देखें एच जी आगे वाला तत्व है और सी एल पीछे वाला, सीएल पीछे वाला तत्व, एच जी आगे वाला तत्व है और सीएल पीछे वाला तत्व है। क्लियर? अब देखें अपन, एच जी आगे वाला तत्व है और सीएल पीछे वाला तत्व है। एच जी सीएल टू से बना एच जी टू सीएल टू। तो पहले एच जी कितने थे, एक। फिर बता रहा हूं ये बैलेंस करने के लिए है, दो को दो कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, ये बैलेंस करने के लिए है, सिर्फ यौगिक देखने हमने। तो एच जी एक था, एच जी कितने हो गए दो हो गए, एच जी एक था दो हो गए, तो यानी एच जी जुड़ गया है। अब एच जी किस साइड लिखा हुआ है, आगे वाली साइड, तो इसका मतलब आगे जुड़ा है और आगे जुड़ा है तो अपचयन है। तो ये अपचयन हो गया। तो दूसरा अंडरस्टूड है कि ऑक्सीकरण हो गया। तो इस प्रकार हम ऑक्सीकरण अपचयन बहुत ही इजी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। जितने मर्जी एग्जाम्पल आप लोग सोल्व करके देख लेना, हर एग्जाम्पल आपका सोल्व होगा। और दसवीं में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जेट में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, रीट में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तब भी सिंपल क्वेश्चन आता है। इसमें से बिल्कुल बहुत ही आराम से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कैसे फॉलो हो रहा है ये वो देखें हम लोग, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का एक नियम आता है, यहाँ मैंने लिखा आगे को जुड़ा। केमिस्ट्री का एक नियम है कि आगे वाली साइड हमेशा धन विद्युती तत्व ही लिखा जाता है, पॉजिटिव एलिमेंट लिखा जाता है। केमिस्ट्री का नियम है कि धन विद्युत्व आगे की ओर लिखा जाता है। तो मैंने लिखा आगे कुछ जुड़े, तो इसका मतलब है धन विद्युती तत्व जुड़े। धन विद्युती तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये यहाँ से उठाई हुई बात है, बहुत ही धन विद्युती ऋण विद्युती पहचानने मुश्किल हो जाते हैं अपने को, जब सोचना पड़ता है कि धन विद्युती है ऋण विद्युती है, तो टिपिकल हो जाता है ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने में, हम लोग गलती कर जाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री का रूल है कि आगे की ओर धन विद्युती तत्व भी लिखा जाता है, तो मैंने धन विद्युती तत्व की बजाय आगे वर्ड लिख दिया, यहाँ आगे कुछ जुड़े, इट मीन यही है कि धन विद्युती तत्व जुड़े। क्लियर? ऐसे पीछे की ओर केमिस्ट्री का रूल है कि पीछे की ओर ऋण विद्युती तत्व भी लिखा जाता है, ऋण विद्युती तत्व। तो पीछे कुछ जुड़े, इसका मतलब ऋण विद्युती तत्व जुड़े, तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे अब देखें, इसी को देखें, एच जी सी एल टू से बना एच जी टू सी एल टू। तो एच जी एक धन विद्युती तत्व है, तो सही तो यह है कि यहाँ धन विद्युती तत्व जुड़ा है, इसलिए ये अपचयन है। लेकिन वो टिपिकल हो जाता है, अपने सोचना पड़ता है कि धन विद्युती है ऋण विद्युती है कैसा नहीं है, क्या जुड़ा क्या निकला। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, दो बातें ध्यान रखें, आगे कुछ जुड़े या पीछे कुछ जुड़े। आगे कुछ जुड़े तो अपचयन होगा और पीछे कुछ जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, अदर एग्जाम्पल आप बुक से उठाएं, जितने मर्जी एग्जाम्पल सोल्व करें, दो चार एग्जाम्पल मैं भी दे देता हूं, उनको आप लोग प्रैक्टिस करके देखें और सोल्व कर लेते हैं तो निश्चिंत रहें आप लोग, 100% सोल्व होगा। और एक बात इसमें और बता दूं कि जो हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ रहे हैं,
इसमें एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है। जैसे यहाँ ZN का ऑक्सीकरण हुआ है और CuSO4 का अपचयन हुआ है। ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा अभिकारकों में से ही होते हैं। ZN का ऑक्सीकरण हुआ है ZNSO4 में, CuSO4 का अपचयन हुआ है Cu में। अब दो टॉपिक आते हैं अपने पास, एक तो ऑक्सीकारक और एक अपचायक, एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक। ऑक्सीकारक वो होता है जिसका खुद का अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। तो इस एग्जांपल में देखें हम, जैसे ऑक्सीकरण किसका हुआ था, ZN का, तो इसमें जो अपचायक है वो ZN है, अपचायक ZN है इसके अंदर। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, तो यहाँ ZN अपचायक है। और यहाँ अपचयन किसका हुआ था, CuSO4 का, तो CuSO4 जो है वो ऑक्सीकारक है, तो CuSO4 यहाँ ऑक्सीकारक है। तो जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, वो आप लोग करके देख लेना, अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, 100% मैं आपको सोल्व करके क्लियर करूँगा। CuCl2 प्लस SnCl2 इक्वल टू Cu2Cl2 प्लस SnCl4। दूसरा एग्जांपल, TuHgCl2 प्लस TuFeCl2 इक्वल टू HgTuCl2 प्लस TuFeCl3। तीसरा एग्जांपल, ZnO प्लस C इक्वल टू ZN प्लस CO। चौथा एग्जांपल, Fe2O3 प्लस 3CO इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। पांचवा एग्जांपल, Fe प्लस H2SO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस H2। तो ये एग्जांपल आप लोग करके देखें कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। फिर आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ जुड़ने का हिसाब रखोगे, आगे कुछ जुड़े तो ऑक्सीकरण और पीछे कुछ जुड़े, आगे कुछ जुड़े तो अपचयन और पीछे कुछ जुड़े तो ऑक्सीकरण। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आ रहे होंगे। अगर मेरे टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। और भविष्य में भी मैं इसी तरह से आपको बिल्कुल ट्रिकी मेथड से, बहुत इजी मेथड से बाकी टॉपिक भी क्लियर करूँगा। थैंक यू।